आजादी के दीवानों को स्वराज का लक्ष्य सामने दिखने लगा। साथियों कल्पना कीजिए, अगर उस समय नमक सत्याग्रह के खिलाफ कुछ नेताओं की बात महात्मा गांधी ने मान ली होती, उनकी बातों में आकर के गांधी जी चुप हो जाते, अपना इरादा बदल लेते, यात्रा न करते, तब अगर गांधी जी नकारात्मकता के शिकार हो जाते, विरोध की वजह से नमक सत्याग्रह न करते, तो क्या होता? साथियों उस समय जो नमक के प्रयोग को छोटा समझकर विरोध कर रहे थे, उस तरह की मानसिकता हमारे देश में उस समय भी थी, आज भी है। और कभी कभी तो लगता है आज तो दुर्भाग्य से ज्यादा शायद कुछ और ज्यादा मुखर करके है, ज्यादा उसमें स्वार्थ चिपक गया है। पिछले साढ़े चार साल में इन लोगों ने कैसे कैसे सवाल पूछे, मैं आपको याद कराना चाहता हूं, मैं देशवासियों को याद दिलाना चाहता हूं। कैसा पूछते थे, कैसा बोलते थे, जरा उनके डायलॉग याद कीजिए। शौचालय बनाने से भी कोई बदलाव आता है क्या? साफ सफाई भी क्या कोई प्रधानमंत्री का काम है? गैस का कनेक्शन देने से भी कहीं जीवन बदलता है? बैंक में खाते खोलने से गरीब अमीर हो जाएगा क्या? ये सारे डायलॉग देश भूलेगा नहीं, ये वही लोग हैं। ऐसे अनेक सवाल अपने निजी स्वार्थ के लिए नकारात्मकता को लेकर के चलने वाले लोग, और आज भी उसी नकारात्मकता को जीने वाले लोग मिल जाएंगे। नेगेटिविटी से भरे ऐसे लोगों को ये बताना जरूरी है कि बड़ा बदलाव तभी आता है जब छोटी छोटी बातों और आदतों में सार्थक परिवर्तन आता है। नमक हो, चरखा हो, खादी हो, स्वच्छता हो, ऐसी तमाम बातें रही हैं जिन्होंने हमारे आजादी के आंदोलन को सशक्त किया, लोगों को एकजुट किया, सामान्य से सामान्य व्यक्ति को आजादी का सिपाही बना दिया। कुछ लोगों को तब नमक सत्याग्रह छोटा लगता था, उसकी अहमियत नजर नहीं आती थी। अब इस सरकार के अनेक कार्य उनको छोटे लग रहे हैं। मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं, आप सोचिए साथियों। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश में 9 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने, तभी तो आज लाखों लोग अनेक बीमारियों से बच रहे हैं। इन शौचालयों ने महिलाओं की जिंदगी कितनी आसान की है, ये नकारात्मकता से भरे लोग समझ नहीं सकते हैं। उनके दिमाग को नकारात्मकता का ताला लग गया है। एक अनुमान है कि टॉयलेट बनने की वजह से देश में 3 लाख गरीबों के जीवन की रक्षा संभव हुई है। स्वच्छ भारत का मजाक उड़ाने वालों को, विरोध करने वालों को गरीब की जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। साथियों ये लोग चाहे जितना मजाक उड़ाए,
नए भारत ने इन बदलावों के लिए अपना मन बना लिया है। और स्वच्छता, पूज्य बापू कभी कह चुके थे कि आजादी और स्वच्छता में से मुझे पहला कुछ चुनना है तो मैं स्वच्छता चुनूंगा। आए दिन बापू का नाम लेकर के राजनीति करने वाले लोगों ने बापू का ये छोटा सा सपना पूरा किया होता, स्वच्छता का काम किया होता, तो भी बापू को सच्ची श्रद्धांजलि होती। जब समाज सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ता है तो ये बड़े बड़े संकल्प सिद्ध कर पाता है।